फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वर्षा रेसिपी चैनल। आज हम डिनर बना रहे हैं, तो इसके लिए मैंने चार आलू लिए हैं, तो इसे मैंने इस तरह से काट लिए हैं छोटे छोटे। तो इसके साथ हमने लिया है दो प्याज, एक टेबलस्पून जितना मूंगफली और तीन चार लहसुन। अभी हम चलते हैं गैस की तरफ। अभी हमने रखी है कढ़ाई, कढ़ाई में डालते हैं तीन टेबलस्पून जितना ऑयल। ऑयल को हम अच्छी तरह से गर्म होने देते हैं। अभी तेल हमारा गर्म होना स्टार्ट हो गया है, तो इसमें डालते हैं आधा टी स्पून जितनी राई, एक सूखी लाल मिर्च, साथ में डाल रहे हैं प्याज, इसके साथ मूंगफली और लहसुन सब डालेंगे। और इसे हम चला देते हैं। अभी इसे हम होने देते हैं। अभी इसमें डालेंगे स्वादानुसार नमक। नमक से क्या होगा, जो हमारे प्याज है ना वो जल्दी पक जाएंगे। इसके साथ डाल गए हींग और इसे भी हम चला देंगे। अभी प्याज हमारा ट्रांसफर जैसा हो गया है, तो इसमें डालते हैं आधा टीस्पून जितनी हल्दी, एक टीस्पून जितना लाल मिर्च पाउडर, ये कश्मीरी मैंने यूज़ किया है, एक टीस्पून जितना गरम मसाला, और इसे हम गैस का फ्लेम लो करेंगे और इसे हम चला लेते हैं। अभी इसे हमने अच्छी तरह से चला लिया है, तो हमने जो आलू काट के रखे ना वो डाल लेते हैं। अभी आलू को हमने डाल दिया है, तो इसे हम चला लेते हैं इस तरह से, ताकि जो हमने मसाला बनाया ना प्याज और वो सब मसाला डाल के, तो वो पूरा इसे अच्छी तरह से कोट हो जाए। गैस का फ्लेम मैंने ऑलरेडी लो कर दिया है, तो इसी तरह से हम इसे पकने देते हैं। अभी इसमें आधा टीस्पून जितना नींबू का रस ऐड करेंगे, क्योंकि टमाटर इतने सारे महंगे हैं, तो हम नींबू डालेंगे खटाई के लिए। चाहे तो आप डाल सकते हो या वरना स्किप कर सकते हो। नींबू पे खट्टा बनाया जाएगा, हमें ज़्यादा खट्टा नहीं चाहिए, तो मैंने इस तरह से डाला है। अब इसमें डालेंगे कसूरी मेथी, वापस चला लेते हैं। अभी इस तरह से ये हो गया है, तो अभी हमें इसे कुकर में रखना है। तो अभी हम गैस का फ्लेम करते हैं ऑफ। अभी कुकर का जो बर्तन है उसमें हम ट्रांसफर करेंगे। इसमें ऑयल लगा है, तो ये आलू का ही है, तो मैं इस तरह से पूरा ट्रांसफर कर देती हूँ। अभी देखिए कढ़ाई को जो ऑयल लगा है ना, तो इसी में हम पानी डालेंगे। इस तरह से मिक्स, कढ़ाई में जितना भी मसाला लगा है वो भी हमारा वेस्ट नहीं होगा, और इस तरह से हम डाल देते हैं। अभी वापस इसे हम चला लेंगे। अभी हमने कुकर ले लिया है, तो कुकर में इसे हम रख देते हैं। मैंने आधा कप जितना ही पानी डाला है, तो अभी ढक्कन लगा देते हैं और इसे
दो से तीन विसल होने देते हैं। अगर जल्दी जल्दी होती है तो आप तीन विसल कीजिए, और नॉर्मली होती है तो दो विसल में अच्छी तरह से हमारी सब्जी बन जाएगी, सॉफ्ट सॉफ्ट बन जाएगी। अभी कुकर हमने रख दिया है, तो अभी जब तक दो तीन विसल हो गया कुकर ठंडा हो जाएगा, तब तक हम इसका वेट करेंगे, तब तक हम दूसरी तैयारी करते हैं। अभी हमने गेहूँ का आटा ले लिया है, इसमें डालते हैं थोड़ा सा नमक और ऑयल, एक टेबलस्पून जितना ऑयल डाला है, तो इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अभी इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम सॉफ्ट डो बना लेते हैं, जैसे रोटी को बनाते हैं ना वैसे ही हम बनाएंगे। अभी इस तरह से सॉफ्ट आटा गूंथ लिया है, तो हम डालते हैं ऑयल। और इसे हम चिकना बना लेते हैं। अभी इस तरह से चिकना बना दिया है, तो इसे भी हम कवर करके रेस्ट के लिए रख देते हैं। अभी तेल गर्म हो गया है, तो इसमें डालते हैं पापड़। ये मेरे पास चावल के पापड़ है, तो मैं ये कर रही हूँ। और ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं, एकदम क्रिस्पी लगते हैं। जब तक हमारा आटा सेट होता है, तब तक हम पापड़ फ्राई कर लेते हैं। इसके लिए तेल अच्छी तरह से गर्म होना चाहिए। देखिए पापड़ भी हमारे बन गए हैं। अभी हम एक लोई तोड़ते हैं, इसे आटे में डिप करेंगे इस तरह से, और इसे हम बेल लेंगे। इस तरह से हमने बेल लिए है, तो इसको लगाएंगे ऑयल। इस तरह से वापस फोल्ड करेंगे, इसे वापस ऑयल लगाएंगे, वापस इसमें आटा छिड़केंगे और इस तरह से हम फोल्ड कर देते हैं, और इसे अभी हम बेलेंगे। मैंने तवा रख दिया है, आपको पतली मोटी जैसे ही बेलनी है तो आप बेल सकते हो। इस तरह से हमने पतली बेल ली है, देखिए इस तरह से। तो अभी हम चलते हैं गैस की तरफ। अभी इस तरह से हम कर देते हैं, अभी इसे हम पटा लेंगे इस तरह से। अभी इसे हम इस तरह से पहले सेक लेते हैं, जब बढ़िया तरीके से सेक जाएगी ना, तब मैं इसमें घी डालूंगी। आप चाहे तो ऐसे भी खा सकते हो, पर घी वाली तो बहुत बढ़िया से आलू के सब्जी के साथ लगती है, तो मैं इसी तरह से बना रही हूँ। तो अभी इसे वापस टर्न करेंगे। देखिए इस तरह से हमें अच्छी तरह से सेकना है। कॉर्नर से आप अगर रूमाल से करते हो तो ये कॉर्नर भी कच्चे बिल्कुल भी नहीं रहेगी। और जब भी घी तेल में आप सेकना चाहते हो तो पहले इस तरह से अच्छी तरह से सेक लेना है, और उसके बाद आपको घी या तेल का यूज़ करना है। नहीं तो क्या होगा कि आप इसे कच्चे में करोगे ना, तो वो अंदर से कच्ची रहेगी इस तरह से। अभी देखिए ये अच्छी तरह से सीख गई है। इसमें मैं डाल रही हूँ घी। वापस टर्न करेंगे। इस तरह से बढ़िया से सेकी है, तो क्या टेस्ट एकदम
बढ़िया से लगेगी। देखिए दोनों तरफ से इतनी बढ़िया सी हो गई, मैं आपको पास से बताती हूँ इस तरह से। देखिए हमारे अभी पूरी तैयारी हो गई है। ये देखिए सब्जी, मैं पास से बताती हूँ। देखिए इस तरह से बनाया तो कौन मना कर पाएगा। और ये इतनी लाल दिख रही है तो मैंने इसमें शिमला मिर्च डाली है, इसलिए इसका कलर भी बहुत बढ़िया सा आया है। इस तरह से देखिए एकदम सुंदर कलर आया है, और इसी तरह से आनी चाहिए। तो अभी हम थाली पिरसते हैं। अभी हमने थाली ले ली है तो इसमें रख रहे हैं नमक। ये पिरसने का एक अंदाज होता है। नमक के बाद रखेंगे चटनी। उसके बाद रखेंगे प्याज, अगर नींबू होगा तो आप नींबू भी रख सकते हो इस तरह से। बाद में रखेंगे पापड़। बाद में रखेंगे दही। अभी जो सब्जी है वो अंदर रखेंगे और इसे हम सर्व करेंगे। हर बार इस तरह से ही थाली पिरसी जाती है। अगर आप कभी भी लंच में हो या डिनर में अगर इस तरह से बनाते हो ना तो इस तरह से ही थाली पिरसते हैं। अभी हमने रोटी ली है तो एक्चुअली एक ही रोटी लेते हैं, पर मैं दो ले रही हूँ तो इसे इस तरह से कट करना है। कभी भी पूरी रोटी इस तरह से पिरसना नहीं होता है, वो गलत बात है। तो इस तरह से हमने दो ये किए, वापस इसे हम टर्न करेंगे और इस तरह से करेंगे। ये छोटी बड़ी हो गई है, देखिए इस तरह से। और एक साथ हम इस तरह से रखेंगे, इस तरह से। इसके साथ मेरा घर का बटर है तो मैं बटर रख रही हूँ। इसमें और चार चांद लग जाते हैं। देखिए थाली पिरसने का ये अंदाज होता है इस तरह से। मैं आपको पहले थाली बता देती हूँ। देखिए मैंने सिर्फ आलू की सब्जी बनाई है, ना उसमें कुछ और, ना धनिया है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ प्याज और लहसुन है। फिर भी देखिए खाने का मन हो रहा है ना, तो बस बनाने का अंदाज अगर आपका अलग होगा तो बढ़िया से खाना बनेगा। देखिए इस तरह से ये देखिए लग रहा है ना गजब का। तो इस तरह से बनाइए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। पसंद आए तो फ्रेंड को ज़रूर शेयर कीजिए और इस तरह से ज़रूर बनाइए। ये मैंने बटर रखा है तो बटर के साथ भी आप रोटी बटर और इस तरह से खा सकते हैं, एकदम बढ़िया से टेस्ट लगेगी। आपको कभी बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। घर पे अगर इतना खाना अच्छा मिलता है तो बाहर क्यों जाना। तो इस तरह से ज़रूर बनाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपके मेरे डिनर रेसिपी कैसी लगे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। एकदम मस्त है, आपको कैसे पसंद आएगी, क्या नहीं आई, किस तरह से आप बनाओगे, किस तरह से करोगे, तो वो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और इस तरह से ज़रूर बनाएगी, एकदम लाजवाब है। कभी भी बाहर खाना पसंद नहीं करोगे अगर घर पे इतना बढ़िया सा खाना मिल रहा है तो आप बिल्कुल भी नहीं करोगे। और ये पूरा टेस्टी खाना है, हाइजीनिक है। तो इस तरह से ज़रूर बनाए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।